वेलकम टू द सेशन. आर यू एबल टू सी मी एंड हियर मी? प्लीज बता दो इन द चैट बॉक्स एवरी वन आउट देयर और ऑल माई किड्स, यू ऑल हियर मी? साहिल खान, यू आर द ओनली फ्रेंड हू कॉल मी सानिया, अदरवाइज ऑल कॉल मी सानू. ओ माई गॉड. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो 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 मुथियर, हेलो सीआईडी, हेलो सौम्या, हेलो हिमांशी, हाय साहिल, सानू, राइट? आपके चैट्स क्यों नहीं देख पा रही मैं? हम सुन पा रहे हो सब लोग? एवरीवन, आर यू एबल टू हियर मी? हाय रश्मि, हाय विरेन, हाय अननोन हैप्पीएस्ट गर्ल इन वर्ल्ड, हाय तन्मय, एवरीवन वेलकम टू द सेशन. सो वी आर स्टार्टिंग नीट सीबीएसई 2021 का चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ठीक है, पार्ट थ्री, पार्ट वन, पार्ट टू हो चुका है एवरीवन, ऑल ऑफ यू. ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू में हमने सब कुछ पढ़ लिया है. आज हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट. दिस इज योर हैशटैग डीजी वेलकमिंग ईच वन ऑफ यू टू द अमेजिंग सेशन. तो शुरू करें आज का सेशन एवरीवन. बिल्कुल पढ़ाई करने वाले हैं, बिल्कुल पढ़ाई का माहौल बनना चाहिए इन द चैट बॉक्स. ठीक है, नो मस्ती, नथिंग, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे, दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस. ठीक है, ओके, यस, पार्ट थ्री. हाँ जी, तो ये हो गया आपका शेड्यूल. मंडे को तो मैंने क्लासेस ले ली हैं, कल आज ट्यूसडे है. ठीक है, अभी अभी एक मेंटी क्विज हुआ था. हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड? आयुष, आज बेटा सिर्फ पढ़ाई करेंगे, स्ट्रैटेजीज बस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज पे एक मेंटी करेंगे. ठीक है, सो बायोथॉन माहौल बना दिया सौम्या ने, वेरी गुड. आय शिखा, आय स्मिता, नो फरजाना, ब्रेक क्यों चाहिए? ब्रेक क्यों चाहिए? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, चलो. सो ट्यूसडे को हो गया, वेडनेसडे को कल क्या है बच्चों? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कल है रैंक बूस्टर पेपर एनालिसिस, ये दिख रहा होगा सबको अभी. ठीक है, ये ना, यस, ओके. सो नीट पेपर 2019 एंड जॉय राइड विद द रेस्पिरेटरी पाथवेज. ठीक है, अ क्लाउडी रिवीजन विद निमोनिक्स. ठीक है, ऑन रेस्पिरेटरी पाथवेज कल होगा बाय डीजी मैम एंड नीट पेपर 2019 भी. और थर्सडे को फिर से बायोथॉन 4 हो जाएगा. ठीक है, हैशटैग 4, राइट? देन पार्ट 4 में विल जस्ट डिस्कस टिश्यू कल्चर 2021 के लिए एंड रैंक बूस्टर ऑन एनाटॉमी फ्राइडे को. एलएमएसआर भी होगा, मेंटी क्विज फ्राइडे इज फुल मेंटी एंड सैटरडे विद एनवायरमेंटल साइकिल्स का जॉय राइड एंड लीविंग वर्ल्ड सीबीएसई 2022 वाले बच्चों. ठीक है, थैंक यू प्रंजल. ओके, सो आगे चलते हैं. स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पार्ट थ्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एंड सुमैया मैम, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग स्लाइड्स दैट यू आर मेकिंग. एंड यस, प्लीज यार एक बार सुमैया मैम के लिए एक हार्ट. ठीक है, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, शी इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर मी ऑल्सो. थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच. यस सोबित, आई टुक योर नेम सोबित, आपने मिस कर दिया, मैंने आपका नाम लिया था सोबित, राइट? चलो शयांतिका, अब बिल्कुल नाम वाम तो मैम लेती ही रहेंगी. अब एनिमल हस्बेंड्री में आज के टॉपिक्स जो हमारे हैं, 1.1 प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस है, देन 1.2 में प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव क्वालिटी. ठीक है, तो बट उससे पहले इफ यू लाइक डीजी मैम देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड यस, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप VNET official, जिसमें आपको लगातार होमवर्क का पीडीएफ मिल रहा है. मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, यू ऑल्सो गॉट द पीडीएफ yesterday. प्लीज सॉल्व द MCQs, ओके? ऐसे मत छोड़ो कि अरे कल करेंगे, बिकॉज कल करे सो आज करे सो अब, है ना? पल में पढ़ ले होएगी, बच्चे करेंगे कब? ओके, सो लेट जस्ट
स्टार्ट विद द प्रो सब्सक्रिप्शन वाला इन्फॉर्मेशन तो अपने छोटे छोटे भाई बहनों को बता दो. एंड इफ एनी वन ऑफ यू हैव यू नो नॉट ज्वाइंड आवर प्रो सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन सो आई वुड लाइक टू गिव यू दिस यू नो इन्फॉर्मेशन. 5,000 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होंगे जिसमें 20 प्लस टीचर्स विद 5 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है. एंड यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश एंड हिंदी. कभी कभी किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए इंग्लिश वाला बैच है, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी वाला है. तो हिंग्लिश वाला कहीं पे भी नहीं है, HIN नो हिंग्लिश नहीं होगा. ठीक है, इधर इंग्लिश इधर हिंदी, क्लियर? Okay, and yes, it will cover all your needs with micro and crash courses. इसमें micro course भी होगा, crash course भी होगा. So please tell your juniors, your seniors, है ना? Seniors तो 2020 दे रहे हैं बेटा. आप हो 2021 के लिए और 2022 वालों को बता दो कि join करो. क्या क्या benefit है? You will get access to all the live courses. Biology, physics, chemistry की tensions हमारी सारी की सारी. ठीक है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की टेंशन हमारी सारी की सारी. एंड टॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी अगेन. इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग मास्टर कॉन्सर्ट विद इंडियाज बेस्ट टीचर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट टीचर इज स्टैंडिंग यू नो इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. बोलेंगे बच्चे मैम अपनी तारीफ कर रही है, राइट? एंड यू कैन नॉट, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बस घर पे बैठ के पढ़ाई करना है. हाँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि वी हैव 1 month, वी हैव 3 month, वी हैव 6 month, वी हैव 12 months. ठीक है, बट 12 months आई वुड सजेस्ट इज गुड बिकॉज अगर आप पर मंथ का प्राइस देखो 2,253 है एंड पर डे का प्राइस अगर आप देखो तो 75 है. क्लियर? यस, नो चक्रपाणी. ओके, यस साहिल, चलो. सो अब इसके लिए क्या करना है? अगर जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं प्रो सब्सक्रिप्शन, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने सब हटा दी है. ये लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा एंड यू कैन बाय दिस बाय गोइंग टू दिस लिंक vdnt.in/ytpro पे जाओ और कूपन कोड यूज कर लेना DK Pro. ठीक है, डीजी मैम का कूपन कोड है DK Pro, सो दैट यू विल गेट अ डिस्काउंट. ओके, एंड डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000. ठीक है, तो पूरा 1 year इन 27,000 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. एंड इससे और एक फायदा होगा, ये फायदा है कि आपका रूटीन सेट हो जाएगा, राइट? एग्री एवरीवन? हाय कुशल, एक रूटीन सेट हो जाएगा तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं. आज का कैलेंडर ये है एंड यस, सो बॉटनी के एमसीक्यूज हो चुके हैं एंड 4:30 को आई एम हियर विद ऑल ऑफ यू. ठीक है, एंड उसके बाद 7 PM 9 PM केमिस्ट्री की क्लासेस है. चलो, सो एक तो बता दो, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस. आई एम सॉरी, व्हाट? ऐसा किसको लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू इन द चैट बॉक्स? मैम वेट कर रही, बेटा बता दो जल्दी से. ऐसे तो किसको लगता है कि अरे क्या है? साहिल खान इज सेइंग यस, यस मैम. आनंद, ज्योति रंजन, प्रंजल सिंह, थैंक यू. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में एक क्वेश्चन, सो वी ऑल सफर सम सॉर्ट ऑफ डिजीजेस. सबको पता है हमको भी डिजीजेस होती है तो प्लांट्स को भी होगा, राइट? ह्यूमन बींग्स, राइट? है ना? वेरी गुड. सो कौन कौन सी डिजीजेस होती है हमें? एवरी वन इन द चैट बॉक्स. वी गेट कॉमन कोल्ड, वी गेट कॉमन कोल्ड, वी गेट फीवर, वी गेट सो मेनी यू नो अदर डिजीजेस, राइट? ओके, सेम वे प्लांट्स को भी डिजीज होने वाला है, हो सकता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये चीजें क्या हैं और डिजीज का नाम क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन हु विल टेल मी व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा? रस्ट मस्ट. प्रंजल सिंह, व्हाट इज दैट रस्ट मस्ट? यस साहिल, टाइफॉइड. वेरी गुड हिमांशी, हम लोगों को टाइफॉइड होगा बट प्लांट को दिस इज अ शुगर केन, है ना बेटा? तो शुगर केन में जो डिजीज होगा दैट इज रॉट ऑफ शुगर केन, रॉट ऑफ शुगर केन. वेरी गुड रवि, वेरी गुड धनादा, वेरी गुड विनीता. विनीता ने बता दिया मैम दिस इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. क्लियर? ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस कायशा? What is this, Hitesh? Neha? Raja R? बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो, एकदम नो इधर उधर की बातें. ठीक है, चलो, वेरी गुड. दिस इज वॉट वी ट्रस्ट.
तो अभी अभी आपने जो पिक्चर्स देखे हैं, यू माइट हैव अज्यूम दैट ये रेड कलर शुगर केन का ये रस्टिंग जैसा स्ट्रक्चर वीट पे एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दे आर ऑल डिजीजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को कॉमन कोल्ड तो नहीं हो सकता बेटा, प्लांट को टाइफाइड तो नहीं हो सकता, पर प्लांट को डिजीजेस हो सकती है बिकॉज ऑफ सर्टन फंगस, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, तो ये जो सारी डिजीजेस मैंने आपसे डिस्कस की, सारी की सारी बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, किससे होती है? इट्स मिस्टर बैक्टीरिया। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो अब ये कौन बताएगा, ये किसको पता है कि कौन से लीव्स हैं? कुछ आइडिया है इसमें भी डिजीज होता है? एनीवन? यस स्वयं पूर्णा, कैन यू टेल द आंसर? लीव कर्ल, सॉल्व इट, फुल अटेंशन। ठीक है, सो दिस इज अ कॉलीफ्लावर, कोई बोल रहा है लेट्यू, उसको बोल रहे टोबैको। वेरी गुड क्रेजी बॉय, इट्स अ टोबैको लीफ। एंड टोबैको लीफ में जो होता है वो है आपका टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, सो टोबैको मोजाइक वायरस इज कॉजिंग अ डिजीज इन टोबैको लीव्स एंड दैट इज हाउ इट लुक्स। दिख रहा है ये कैसा अजीब सा हो गया? ठीक है, सो नो डाउट हम तो डिजीज वाले प्लांट्स नहीं खाएंगे, हम डिजीज वाले वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे, बट व्हाट अबाउट द फार्मर, द पुअर फार्मर हु हैज टेकन वन लैंड, ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। पूरी उसकी जो जिंदगी है वो उस पर डिपेंड करती है, उसके महीना, उसका घर का खर्चा उसका एक महीना उस पर चलता है। सो व्हाट वुड हैपन इफ ये सारे डिजीज हो जाए, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द फार्मर? सो इसीलिए वी हैव कम अप विद द आइडिया दैट इज नोन एज डिजीज रेजिस्टेंस। क्लियर? अब समझ में आया कि डिजीज रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट वी कैन प्रिवेंट दी, वी कैन प्रिवेंट क्रॉप लॉस। क्लियर? समटाइम्स यू सी दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑल्सो, सम इंसेक्ट्स दे विल ईट द प्लांट, इफ दे विल ईट द लीव्स। सो डिजीज रेजिस्टेंस इज अ एबिलिटी टू प्रिवेंट और रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ डिजीजेस इन अदरवाइज ससेप्टेबल होस्ट। मतलब हम डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से प्लांट को, ठीक है, जिसमें हम उसकी एबिलिटी को, उसकी शक्ति को प्रिवेंट कर रहे हैं। कौन सी शक्ति? एबिलिटी टू प्रिवेंट द डिजीज, डिजीज की शक्ति, ताकि वो प्लांट को डिजीज ना कॉज कर सके, वो शक्ति हमने कम कर दी उस इंसेक्ट की, वो बैक्टीरिया की। वो कैसे की हम डिस्कस करेंगे, हमने इंसेक्ट में कोई चेंज नहीं किया, हम प्लांट में चेंज करेंगे, हम प्लांट को इतना अच्छा बना देंगे दैट प्लांट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिजीज। ठीक है, या फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे। इट कैन अराइज फ्रॉम द जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। सो डिजीज रेजिस्टेंस अगर आप नेचुरली बात करो, हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम नेचुरली बात करें, यू माइट हैव बीन टू अ फील्ड, यू हैव सीन सो मेनी टोमेटो प्लांट्स। ठीक है, एक टोमेटो प्लांट पे क्या पता डिजीज हो, दूसरे पे नहीं हो? यस, एग्री एवरीवन? एक प्लांट पे डिजीज हो सकता है, दूसरे प्लांट पे डिजीज नहीं हो सकता। इट्स द सेम केस एज मी एंड माय फ्रेंड, मुझे कॉमन कोल्ड हो गया, मेरे फ्रेंड को नहीं हुआ, राइट, बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। यस एवरीवन, वेरी गुड सुमन, कायशा, पूजा, अभिषेक, सब लोग बताओ मैम सही बोल रही है नहीं, मैम सही बोल रही है नहीं बोल रही है? हाँ यस, ठीक है, चलो रुको एक मिनट, रुको मैम को एक मिनट दो। हाँ चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, मतलब कहीं किसी को हो जाती है डिजीज, कहीं किसी को नहीं होती है। ठीक है, बट नाउ वी आर कमिंग विद द प्लांट ब्रीडिंग मेथोडोलॉजी फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। मतलब हम एक टेक्निक अप्लाई करेंगे प्लांट्स में, हम कुछ ऐसा करेंगे प्लांट्स में कि जिससे उनको डिजीज रेजिस्टेंस मिल सके। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन आउट देयर? सबको समझ में आ रहा है? सो प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, प्लांट की मेटिंग करवाएंगे, बट उसका फायदा क्या होगा? व्हाट्स द अप्रोच? एवरीवन इन द चैट बॉक्स टेल मी, हमारा मीटिंग का अप्रोच क्या है इन दिस सेशन नाउ? व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेट द प्लांट्स, व्हाई वी आर डूइंग द ब्रीडिंग, किस लिए, किस लिए? वेरी गुड पूजा, यस एवरीवन,
गुड यील्ड के लिए, वेरी गुड नीट यूजी, बट फर्स्ट टारगेट है उसको डिजीज से बचाने का. वी हैव टू प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम द डिजीज. देर कुड बी फंगस, देर कुड बी बैक्टीरिया, देर कुड बी वायरल पैथोजेंस विच कैन अफेक्ट द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स. एंड टू मिनिमाइज दिस लॉस, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज वेयर डेवलप्ड. ओके, ब्रीडिंग जो नेचुरली होता है वो एक कन्वेंशनल मेथड हो सकता है, पॉइंट नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंट. और इट कुड बी दिस, दैट इज अ म्यूटेशन ब्रीडिंग. कन्वेंशनल मेथड मीन्स द मेथड विच इज टेकिंग प्लेस इन सो मेनी इयर्स, अ ट्रेडिशनल मेथड, ओके, विच इज यूज फॉर द एनिमल ब्रीडिंग एज वेल, टू डेवलप एनिमल विद सम डिफरेंट क्वालिटीज. बट हियर वी विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन म्यूटेशन ब्रीडिंग. आया समझ में इतना? एवरीवन वेरी गुड. All of you understood? Very good, Yashika. Yashika is very correct. Resistant to plant and to minimize the chances of crop eruptions. ठीक है? तो सबको समझ में आ गया? चलो, अब हम steps पे focus करते हैं. पहले ये बताओ मुझे कि मैम का session 2 किसने देखा था? Animal breeding जहाँ पे मैम ने discuss किया था बहुत अच्छे से, conventional breeding discuss किया था कि हम बहुत सारे अलग अलग varieties लेंगे seeds के और उसके बाद हम उनको स्टोर करके रखेंगे, उसको हम बोलेंगे जर्म प्लाज्म कनेक्शन. फिर हम मेटिंग कराएंगे बेस्ट सीड्स की और उसमें से हम बेस्ट क्वालिटी ऑफस्प्रिंग को सिलेक्ट कर लेंगे. एंड देन दिस वे विल मल्टीप्लाई देम, पॉलिनेशन पे पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पे पॉलिनेशन, एंड फाइनली वो वैरायटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने मार्केट में. ठीक है? अच्छा, तो ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड. ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड. कौन सा मेथड? इन द चैट बॉक्स टेल मी बच्चों, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल, जो काफी टाइम से चला आ रहा है. ठीक है? ये एक ऐसा मेथड है जहां पे हम क्या करते हैं, हम एक जीनोम सेलेक्ट करते हैं, हम बनाते नहीं है कुछ भी. हमने देखा कि एक सीड जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट दे रहा है, दूसरा सीड जो है उसकी वाटर की क्वालिटी, वाटर इरिगेशन उसको बहुत कम चाहिए, पानी बहुत कम चाहिए. तो हमने सोचा कि ये दोनों सीड्स तो बहुत बेस्ट है और हमने ऐसे ही अलग अलग बेस्ट चीजें अपने पास कलेक्ट कर ली. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड विनीता, शिखा, अशिफ, यस डेस्पेरेडो जूनियर, यस एवरीवन, यस अजीत. ट्रेडिशनल मेथड, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉमन मेथड है. तो स्टेप वन वी हैव सेलेक्टेड, स्टेप टू फिर हमने मेटिंग कराया, वी हैव डन द मेटिंग, वी हैव डन द पॉलिनेशन. मेटिंग इन प्लांट इज पॉलिनेशन, क्लियर? वेयर द एंथर, where the pollen grain from the anther will mate with the ovule, right, of the ovary through the stigma, right, and then we'll select the superior hybrids, the superior offsprings, and then we'll test the hybrid. Jo bachcha aaya, jo baby plant aaya, usko hum test karenge, we'll test it that it is having both the qualities or not, and then we'll release the new variety. But it has a problem. Who can tell me the problem with the traditional method if we are relying on traditional method for the plant disease resistance also? Very good, Dhanada. Very good, Isha. Very good, Elena. Yes, everyone. कौन बताएगा? चैट बॉक्स से बताओ प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिशनल मेथड और कन्वेंशनल मेथड का. तो प्रॉब्लम ये है बेटा, दैट वी हैव टू डिपेंड ऑन द वैरायटी. अगर हमारे पास वैसी वैरायटी नहीं होगी, इफ इट्स नॉट देयर, नो वैरायटी, इफ वी डोंट गेट द एग्जैक्ट वैरायटी दैट वी वांट, इफ वी डोंट हैव अ जर्म प्लाज्म कलेक्शन, कैन वी गो अहेड? यस लवली सनी, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. तो वो हर एक प्रोसेस टाइम लेगा है, लेता है, वेरी गुड, लेने वाला है. वेरी गुड, वेरी गुड विनीता, रितिका, डिपेंडेंस ऑन वैरायटी. तो इसीलिए हम आए एक नए अप्रोच के साथ जिसका नाम होगा म्यूटेशनल ब्रीडिंग. आया समझ में? तो हमने ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड से कुछ बनाया नहीं है, हमने बहुत कुछ बनाया है हाइब्रिडाइजेशन ट्रेडिशनल मेथड से. एंड देन वी ऑल्सो सेलेक्टेड अ डिजीज रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल वीट जो क्रॉप है उसकी एक वेराइटी आई हिमगिरी, हिमगिरी में रेजिस्टेंस था डिजीज को, लीफ एंड स्ट्राइपरस नहीं होगा, हिल ब्लंट नहीं होगा. हिल ब्लंट इज बेसिकली अ स्मट which is covering the leaf of the wheat. Brassicaceae family में Pusa swarnim, ठीक है, white rust से हमने इसको resistance provide कर दी. Cauliflower में Pusa shubra and Pusa snowball K1, black rot and curl and blight black rot, इनसे बचाया. Cowpea जो है
पूसा कोमल इसकी वैरायटी हम लेके आए जिसको हमने बैक्टीरिया के आतंक से बचा दिया। चिली की वैरायटी आई पूसा सदाबहार एंड इसको हमने बचा के रखा चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। हाउ वी एक्चुअली डेवलप दीज वैरायटीज, एनीवन इन द चैट बॉक्स टेल मी। दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार फ्रॉम माई साइड फॉर दिस टेबल। हर एक की वैरायटी याद होनी चाहिए एंड हर एक का रेजिस्टेंट टू डिजीज याद होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, बढ़िया। यस हसन, मास्टर हसन, थैंक यू सो मच। ओके चलो, सो आगे जाते हैं। अब हम ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पे नहीं टिके हैं, हम बड़े लोग बन चुके हैं, हम म्यूटेशन ब्रीडिंग करने वाले हैं। व्हाट इज अ म्यूटेशन? व्हाट इज अ म्यूटेशन? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ग्रेट। कम ऑन, यस जीटीए लवर्स, चेंज इन बेस पेयर, जीन चेंज, बढ़िया। सो दैट इज अ चेंज इन द जीन। तो अगर हम उस प्लांट में कुछ ऐसे चेंजेस करवा दे जिसके वजह से, बिकॉज ऑफ विच द प्लांट कैन गेट एन एबिलिटी टू फाइट विद द डिजीज, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, ऐसे तलवार लेके खड़ा रहेगा प्लांट, बिकॉज नाउ प्लांट हैज अंडरगॉन म्यूटेशनल चेंज। तो क्या हमें, सो शेल वी डिपेंड ऑन द जर्म प्लाज्म? एनीवन, क्या फिर हमारे डिपेंडेंस होगा जर्म प्लाज्म पे इफ वी आर फोकसिंग ऑन द म्यूटेशन प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंसेस? हम एक ऐसे प्रोसेस पे आ चुके हैं जहां पे हम एक जेनेटिक वेरिएशन करने वाले हैं जीन्स के अंदर, जिसके वजह से एक नया कैरेक्टर आएगा, दैट विल रिजल्ट इन अ न्यू कैरेक्टर, न्यू ट्रेट विच इज नॉट फाउंड इन द पेरेंट्स। ठीक है, एंड सो व्हाट डू यू थिंक, दिस प्रोसेस इज बेटर और ट्रेडिशनल इज बेटर? बिल्कुल, वेरी गुड। यस, ओके चलो ठीक है। सो इट ऑकर विद इन जीन्स रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट नॉट फाउंड इन द पैरेंटल टाइप्स। कैसे करेंगे म्यूटेशन? एनीवन, सो पहले तो हम उस प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें म्यूटेशन करवाना है, देन वी विल यूज म्यूटाजेंस। दिस कुड बी एनी रेडिएशन, गामा रेडिएशन हो सकते हैं या फिर कोई केमिकल भी हो सकता है दैट कैन कॉज म्यूटेशन। एंड दिस प्रोसेस, द प्रोसेस वेयर द मेटिंग इज डन आफ्टर म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन बेटा ऐसे रैंडमली नहीं करना है, आर म्यूटेशन शुड बी सक्सेसफुल। पता चला जो अच्छी खासी जीन है उसको भी उड़ा डाला और लाइफ झींगा लाला, नहीं। ठीक है, यस एवरीवन, पूजा इज लाफिंग, विंता इज लाफिंग, है ना, कूल बॉय इज लाफिंग, डिजायरेबल कैरेक्टर, वेरी गुड शिखा। तो जो कैरेक्टर हमें चाहिए एंड व्हाट इज आवर अप्रोच फॉर म्यूटेशन ब्रीडिंग, अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू द अप्रोच। मैम आपको वापस अप्रोच याद दिला रही है, हमें उस प्लांट में डिजीज के लिए रेजिस्टेंट क्रिएट करना है। तो ये नहीं कि सबको उड़ा डाला और लाइफ झींगा लाला, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस से हमने कुछ ऐसे चेंजेस किए। कैन यू सी द ग्रीन भिंडी एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ भिंडी इज एबलमोस्कस एस्क्यूलेंटस। ठीक है, ग्रीन भिंडी में ऐसी प्रॉब्लम होती थी, ये वाली, ये एक वायरस था, येलो मोजाइक वायरस। द येलो मोजाइक वायरस यूज टू इन्फेक्ट द भिंडी एंड द भिंडी चेंज द कलर। ओके, समवन हैज नॉट कम एंड पेंटेड इट येलो। ये मत सोचना कि मैम कोई आया और पेंट करके चला गया, मेरे जीवन तो खुली किताब है ना, कोई भी आया और पेंट करके चला गया, नो। Everyone, अगर और कोई हो जाएगा, एलेना इज आस्किंग कि मैम अगर कोई और हो जाएगा तो एलेना, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ईदर द चेंज कैन नॉट बी फैटल, ईदर द चेंज कैन बी फैटल, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक। क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो इट इज बिकॉज ऑफ द वायरस, यू ऑल अंडरस्टूड। सो ऐसे ही रेजिस्टेंट हुआ एक येलो मोजाइक वायरस से भिंडी का एक स्पीशीज, that was transferred from a wild species and resulted in a new variety. हमने एक ऐसा
भिंडी लिया जिसमें कि ये डिजीज हो रहा था, हमने उसमें म्यूटेशन किया और उसको हमने एक और वाइल्ड स्पीशीज के साथ या किसी के साथ भी मेटिंग कर दिया, एंड देन यू गॉट अ भिंडी का नया वेराइटी, एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस का नया वेराइटी क्या है, परभानी क्रांति। क्रांति आ गई, रेवोल्यूशन आ गया। सो हु कैन टेल मी परभानी क्रांति इज रेजिस्टेंट टू विच वायरस इन द चैट बॉक्स? वेरी गुड, परभानी क्रांति रेवोल्यूशन, इट इज रेजिस्टेंट टू विच वायरस? यू शुड रिमेंबर दिस की पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। येलो मोजाइक वायरस है, अब ये बच गया, तो क्या ये भिंडी अब येलो होगी? इन द चैट बॉक्स टेल मी। नहीं, दिस भिंडी विल बी ग्रीन ओनली बिकॉज हमने उसको म्यूटेशन ब्रीडिंग से सेव कर दिया। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम मूंग बीन्स के साथ होती थी, येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू। आई विल शो यू द पिक्चर्स, यू वांट द पिक्चर्स? एक YMB का मूंग बीन कैसा दिखता है, अगर वन मूंग बीन इज इन्फेक्टेड विद द येलो मोजाइक वायरस एंड हैविंग अ पाउडरी मिल्ड्यू, राइट? So, उनको रेजिस्टेंट कैसे मिला? ठीक है, सो कैन यू सी दिस, दिस येलो कलर, येलो मोजाइक वायरस एंड दिस इज पाउडरी मिल्ड्यू, राइट? क्लियर, अंडरस्टूड? सो यू अंडरस्टूड मूंग बीन्स को रेजिस्टेंट किससे मिला, ऑल ऑफ यू? ठीक है, ऐसे ही हमने इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी यूज किया एवरीवन। ठीक है, जैसे हमने किसी डिजीज से बचाने के लिए उसको यूज किया, फॉर एग्जांपल फंगस, बैक्टीरियल, वायरस, बट पेस्ट आर समथिंग डिफरेंट। पेस्ट आर नॉट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, अंडरस्टूड? यस पूजा, ईशा, कैशा, हर्षित, नीट यूजी, एवरीवन। ठीक है, तो क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रक्टेड बाय इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑन लार्ज स्केल। क्रॉप प्लांट को ऐसे इंसेक्ट्स भी खाते हैं, क्यूट क्यूट, आपको वैसे क्यूट लगते होंगे, कभी कभी इनका कलर अगर अच्छा है तो, बट समटाइम्स दे आर वियर्ड एंड बट दे डू अ लॉट ऑफ लॉस टू द फार्मर, एंड इसको लॉस को प्रिवेंट करने के लिए भी हमने रेजिस्टेंट डेवलप किया है। ठीक है, सो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस इज इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो जब इंसेक्ट आता है, पेस्ट आते हैं, तो यू कैन सी द कंडीशन, राइट? ऐसा ही कुछ होता है वातावरण। एवरीवन, इन द फील्ड्स यू सी दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन। सो इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट्स, नॉट होस्ट, ओके, मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। अब अगर हमें इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस बनाना है प्लांट में, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट रेजिस्टेंस इन प्लांट इन द होस्ट क्रॉप प्लांट्स towards the insects, we have to check three things, very important again. We can work on morphological character, here biochemical. आज लग रहा है मेरा विकॉम थोड़ा सेंटी हो रहे है ना, some different shape of letters you can see. ठीक है, सो वी कैन वर्क ऑन दीज थ्री टारगेट्स। ठीक है, मतलब म्यूटेशन जो हम कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल वे में, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल, एंड देन वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन। नाउ समटाइम्स वी हैव हेयरी लीव्स काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। हेयरी लीव्स का दूसरा नाम कौन बताएगा? इन द स्टेम, एनी वन जो हेयरी लीव स्टेम में होते हैं, एवरी वन, सोमेन, पूजा, वेरी गुड क्रेजी बॉय, यशिका, जर्म प्लाज्म के लिए सीधा सेशन टू। जर्म प्लाज्म इज ऑल द थिंग्स दैट यू आर कलेक्टिंग, ऑल द वैरायटीज ऑफ द सीड, ट्राइकोम्स, वेरी गुड विनीता, वेरी गुड हिमांशी। सो यू माइट हैव हर्ड दैट ट्राइकोम्स कैन बी सिक्रेटरी टू, ट्राइकोम्स सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, और हेयर होने की वजह से वो स्लिप कर जाते हैं। कौन स्लिप कर जाते हैं? द गेस्ट विच कम्स टू अटैक, राइट? सो हेयरी लीव का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था इन सेवरल प्लांट्स विद रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंट टू जैसेट, जैसेट मतलब एनीवन, जैसेट इज दिस लीफ बग्स जो होते हैं, ठीक है,
एंड जैसेट्स इन कॉटन में ऐसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया एंड लीफ बीटल जो आता था वीट में भी बहुत सारे हेयरी स्ट्रक्चर्स होने लगे, कॉटन में भी हेयरी स्ट्रक्चर्स होने लगे, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द इंसेक्ट टू कम. अंडरस्टूड? थैंक यू संगीता. क्लियर हुआ? ये देखो वीट, ये देखो अब चेंज हो रही वैरायटी. कैन यू सी एवरीवन? लीफ बग्स, यस. राजेश सिंह राठौर, वेरी गुड. पुरुषोत्तम, पिटाई होगी बेटा, वेरी गुड. ओके, सो वीट में भी ऐसा ही और एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि सॉलिड स्टेम जब होगा, अगर स्टेम हॉलो रहा और अगर स्टेम सॉलिड बन गया, एक स्टेम है प्लांट का, इट्स हॉलो कंप्लीटली इनसाइड, और एक सॉलिड स्टेम, हार्ड स्टेम, तो क्या ये सॉफ्ट लाई आएगा? अब स्टेम तो सॉलिड हो चुका है, और वैसे ही स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस, अगर नेक्टर नहीं है किसी कॉटन में, तो क्या वो वॉर्म्स को अट्रैक्ट करने वाला है? नहीं, कभी नहीं करेगा, बिकॉज वॉर्म्स ऑल्सो नीड फूड. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू इन द चैट बॉक्स? फोकस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. यू कैन गेट सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर. अंडर रेटेड चैप्टर है नीट के लिए, बट 4 क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो. ठीक है? ओके, चलो. सो वैसे ही हमने कुछ और चेंजेस किए, हमने एस्पार्टिक एसिड का लेवल बढ़ा दिया, नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट कम कर दिया. अब भैया जब नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट ही नहीं है, तो क्या कोई बोरर आएगा? विल द इंसेक्ट कम? नेवर. ठीक है, जब कुछ खाने के लिए नहीं दोगे तो इंसेक्ट्स क्यों आएंगे? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो रिमेंबर दैट मेज में हमने क्या चेंजेस किए हैं. What are the changes in maize in the chat box? High aspartic acid, low nitrogen and sugar content. Clear? Understood? हो गया. और इससे पहले wheat में जो हमने changes किए, hollow stem to solid stem. Okay? And cotton में क्या changes किए, कौन बताएगा? Cotton का change कौन बताएगा? Let's see who remembers. है ना? Cotton, how we prevented cotton from the insects? Anyone? High aspartic acid, low nitrogen, low sugar. That is for maize. Hairy leaves, BT cotton, nectarless cotton, smooth leaves. ठीक है, ओके. सो लेट जस्ट गो अहेड विद द ब्रीडिंग मेथड्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस. अब इसका मेथड क्या होगा, कैसे हम करेंगे इसको? सब कुछ सेम है जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इन द कन्वेंशनल मेथड. सो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए इल्डर क्वालिटी जैसे हमने डिस्कस किया था हमें चाहिए. सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स मे बी कल्टिवेटेड वेराइटीज. यहाँ पे म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होगा, यहाँ पे जर्म प्लाज्म होगा जो कन्वेंशनल मेथड है व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस टू द प्लांट. जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ द क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव्स. ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज जर्म प्लाज्म? सॉरी गाइस, नो अर्चना, नहीं. अच्छा, तो ऐसे हमने इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस बनाया, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन 5 स्टार टू दिस टेबल. फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, एक वैरायटी आ गई पूसा गौरव, जिसको रेजिस्टेंट हुआ एफिड से, बग्स, ओके, द रेड बग्स. फ्लैट बीन, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जेसिड्स, एफिड्स, फ्रूट बोरर. ओकरा दैट इज भिंडी, पूसा सावनी, पूसा A4, शूट एंड फ्रूट बोरर. ऐसे जो शूट को भी खा जाएंगे, फ्रूट को भी खा जाएंगे, उससे हमने उसको बचा के रखा. क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड? सो दिस टेबल यू हैव टू रिमेंबर द वैरायटी, किसका वैरायटी था, कौन से पेस्ट से रेजिस्टेंस हुआ. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. वन हार्ट दे दो अगर समझ में आ रहा है, और यू कैन से यस ऑल्सो इन द चैट बॉक्स.
कमलेश बेटा पूसा गौरव जो है ये एक वैरायटी डेवलप की गई फॉर मस्टर्ड व्हिच इज रेजिस्टेंट टू द एफिड्स विद सम चेंजेस. ओके फॉर मस्टर्ड हमने कुछ चेंजेस कर दिए मस्टर्ड प्लांट में बाय द कन्वेंशनल मेथड और द म्यूटेशनल ब्रीडिंग. क्लियर प्लांट ब्रीडिंग अब हम कर रहे हैं द प्लांट मेटिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी. कभी कभी क्या होता है आई विल टेल यू समटाइम्स वी डोंट गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ यू नो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट है ना. कभी कभी जो हम खाना खाते हैं उसके वजह से हमें उतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं राइट. तो अब हम क्या करें इसलिए कोई पतला रह जाता है कोई मोटा हो जाता है ना. कोई बिल्कुल ही नहीं खा पाता है बिकॉज उसको नहीं अच्छा लग रहा है लेट्स से है ना. पीपल हैव कम अप विद अ ग्रेट आइडिया एंड दैट इज नोन एज बायो फोर्टिफिकेशन. तो हमने इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट ब्रीडिंग को मिक्स किया और कुछ अप्रोचेस लगाए मिनरल्स यूज किए लीव्स यूज किए फॉलियर इज लीव्स प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दिए ठीक है. एंड दिस वे वी हैव ब्रीडेड द क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिंस मिनरल्स प्रोटीन फैट. क्लियर एवरीवन ठीक है. अंडरस्टूड बायो फोर्टिफिकेशन इज अ मेथड वेयर वी आर अप्लाइंग टू टेक्निक्स. कौन कौन सा पहली दो टेक्निक बताओ. हाउ वी केम टू बायो फोर्टिफिकेशन इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड नेहा मेहरा. ठीक है टेक्निक बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स टेक्निक बताओ. थैंक यू हमजा. जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट ब्रीडिंग. अभिषेक बायो मैग्निफिकेशन तो आप इकोलॉजी में चले गए बेटा. बायो मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट इज बायो मैग्निफिकेशन. वेरी गुड क्रेजी. वेरी गुड विनीता. वेरी गुड यशिका. यशिका वो अलग चीज है एससीपी की बात नहीं हो रही यहाँ पे. चलो सो कैन यू सी द ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन. जब कोई सीरियल बनता है चक्की आटा ये वो आटा सारे आटे जो बनते हैं प्लांट है न्यूट्रिएंट्स एड किया थोड़ा और उसको प्रोसेस किया एंड यू गॉट द सीरियल विद एडेड न्यूट्रिएंट्स. बायो फोर्टिफिकेशन में प्लांट प्रोड्यूसिंग लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ऐसे प्लांट्स हम ले रहे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं उनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया उनके सीड्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जीन्स को मॉडिफाई किया जीन्स इंसर्ट कराए ताकि प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाए ठीक है एंड ब्रीड किया प्लांट्स को एंड फाइनली यू गॉट प्लांट प्रोड्यूसिंग हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो बायो फोर्टिफिकेशन हमने कैसे किया प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग मिला दी. पहले प्लांट सेलेक्ट किया हैविंग अ लो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं दे रहा है तो हमने उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस कर दिए ताकि उसका न्यूट्रिएंट लेवल ज्यादा हो जाए. अंडरस्टूड ठीक है. एंड देन यू कैन सी जब हम फिर ये अब खाएंगे ये वाला इसके अगर सीरियल आप खाते हो है ना सो इट विल बी हैविंग अ मोर न्यूट्रिएंट है ना. डाइट में ले सकते हैं हम लोग उसको राइट. इट विल गिव मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट एंड इट विल वैरी बेस्ड ऑन द प्लांट. प्लांट के अकॉर्डिंग वो वैरी करेगा. आया समझ में व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन. सो बायो फोर्टिफिकेशन इज अ अप्रोच वेयर वी आर वर्किंग ऑन द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी विटामिन कंटेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट. तो इसको कैसे करेंगे बेटा इसमें प्लांट ब्रीडिंग को यूज करेंगे. फिर से बता रही हूं मैं एंड विल ऑल्सो यूज व्हाट जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो ये देखो दो लोगों का मिलन हो गया यहाँ पे. दो बड़ी बड़ी टेक्निक्स मिल चुकी हैं तो एक कुछ रेवोल्यूशन सा आ जाएगा एंड दिस वे यू गेट अ गुड सीड विच कैन गिव अ गुड प्लांट and that plant will have a great protein, great oil, vitamin super se duper and micronutrient. तो माशाल्लाह क्या हुआ ठीक है. सो ऐसा ही एक था Atlas 66. What is this? ये है Atlas 66 having a high protein content. Everyone, very good Yashika. Those are focusing very good. अभिषेक विल डिस्कस एससीपी ऑल्सो डोंट वरी. एससीपी भी डिस्कस करेंगे. हाई प्रोटीन एटलास 66 इज फॉर वीट. लिख लो राइट इट डाउन.
वीट का एक इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी का नाम है एटला 66, हैविंग अ हाई प्रोटीन कंटेंट, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ डोनर, है ना, इसको हम यूज करते हैं डोनर की तरह एज वन ऑफ द पेरेंट फॉर इम्प्रूविंग द कल्टिवेटेड वीट. क्लियर? एटला 66. साहिल टुमारो. सो एटला 66 किसका है बच्चों, इन द चैट बॉक्स किसका है वैरायटी, वो वीट का. क्या है उसमें चेंजेस? प्रोटीन कंटेंट मैम बहुत ज्यादा है. ठीक है, कैसे किया हमने वो? बायो फोर्टिफिकेशन से किया. अंडरस्टूड? एंड सिमिलरली कैरेट विद एनरिच विटामिन ए, स्पिनच, पंपकिन, इनके भी विटामिन ए लेवल्स को हमने बढ़ाया कौन से प्रोसेस से? एनीवन, विच प्रोसेस वी हैव टेकन? विटामिन ए बढ़ा दिया कैरेट में, स्पिनच में, पंपकिन में. दैट्स व्हाई पीपल से कैरेट खाओ, स्पिनच खाओ, पंपकिन खाओ, राइट? वेरी गुड. यस नेहा, दैट्स आल्सो करेक्ट. मेज में भी हमने, हम जब मेज की बात करते हैं तो मेज में दो अमीनो एसिड्स, लाइसिन प्लस ट्रिप्टोफैन, दे आर अमीनो एसिड्स. इनका जब कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, दैट आल्सो इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन. सो IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट हैज वर्कड अ लॉट ऑन वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स जो कि विटामिंस में रिच हो, मिनरल्स में रिच हो, तो क्रॉप्स खाने में ही मजा आएगा, राइट? सो देन कम्स विटामिन सी, बीटा गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, आयरन एंड कैल्शियम में एनरिच्ड स्पिनच एंड बथुआ. सो यू कैन सी स्पिनच, अगर टेबल बनाया जाए, विटामिन ए इंक्रीज किया गया, एंड सी इन बथुआ, विटामिन सी, राइट, अलोंग विथ आयरन, राइट, आयरन सी नहीं, ठीक है, और कुछ, मस्टर्ड, बीटर गार्ड, आई एम राइटिंग BG, दैट इज विटामिन सी. क्लियर? अंडरस्टूड? बथुआ इज अ साग अभिषेक. बथुआ जो होता है एक लीफ होता है. आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग, बथुआ एक लीफ होता है, बथुआ का साग, वीट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, ठीक है, साग होता है. यस, इट्स अ वेजिटेबल, इट्स अ वेजिटेबल लीफ. ओके, सेम वे वी गॉट फ्रेंच एंड गार्डन पीज, प्रोटीन से भरे हुए पीज, मटर, लेवल इंक्रीज कर दिया. दिस इज बीन, यू कैन सी, ठीक है. तो हमने बीन्स पे भी काम किया, हमने पी पे भी काम किया, एंड दैट इज वेयर बायो फोर्टिफिकेशन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, ठीक है, वेरी गुड. पाइसम सैटिवम अभिषेक सिंह ने साइंटिफिक नेम बता दिया है. सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? ये एक और सोर्स है खाने का. देखो इंडस्ट्रीज में कितने सारे सोर्स बनते हैं. इट्स अ अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारे या ह्यूमन के न्यूट्रिशन के लिए या फिर एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए एक प्रोटीन का सोर्स है. सिंगल सेल प्रोटीन, एज द नेम सजेस्ट, सो इट्स अ प्रोटीन सोर्स. क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जिनका बहुत ज्यादा जो प्रोटीन दे सकते हैं हमें, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लेते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. आई होप यू गॉट द आंसर. हम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं देखेंगे. व्हाट वी विल सी, द ऑर्गेनिज्म जो हमें प्रोटीन दे सकता है. आ रहा है समझ में ऑल ऑफ यू? वेरी गुड नेहा, समर्थ. टिश्यू कल्चर नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, पूरा टिश्यू कल्चर इन डिटेल. तो देखो, हम फंगस यूज कर सकते हैं, ईस्ट यूज कर सकते हैं, एल्गे और बैक्टीरिया, विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SCP. सो व्हाट इज SCP? सिंगल सेल प्रोटीन. इसमें हम एक स्पिरुलिना को यूज करते हैं. व्हाट इज स्पिरुलिना? एनीवन इन द चैट बॉक्स, स्पिरुलिना क्या है? इट्स अ एल्गे और इट्स अ फंगस, इन द चैट बॉक्स. तो बैक्टीरिया नहीं, आई सेइंग मैम सियानो बैक्टीरिया है. ग्रीन एल्गा, वेरी गुड.
ठीक है राइट. सो इट कैन बी ग्रोन इजिली. मटीरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैविंग स्टार्च मोलासेस एंड एनिमल मैन्योर. ठीक है, हमने स्पिरुलिना लिया, एवरीवन इट्स अ एल्गे, डोंट फॉरगेट इट्स अ एल्गे. हमने स्पिरुलिना लिया, अब हमने उसको कुछ खाना दिया, वी हैव गिवन सम फूड, एंड व्हाट इज दैट फूड? ऑब्वियसली इट कुड बी स्टार्च मोलासेस मैन्योर. ठीक है, या फिर हमने इसको सीवेज दिया, इसमें ग्रो किया, और फाइनली उसने क्या किया, उसने उसको यूज करके हमारे लिए प्रोटीन्स बनाए. कैन यू सी दिस? सो वन ऑफ द एग्जांपल इज मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एज अ हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन बाय 250. मतलब आप देख लो 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये. अगर आप 250 ग्राम मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस दो एंड उसको आप खाना दो और उसको बोलो कि आप बायोमास प्रोड्यूस करो, तो इट विल गिव 25 टन्स ऑफ प्रोटीन. हाउ मच इज वन टन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स इस बैक्टीरिया का नाम याद रख लो, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस. बैक्टीरिया भी यूज कर सकते हैं, एल्गी भी यूज कर सकते हैं, फंगस यूज कर सकते हैं, ईस्ट यूज कर सकते हैं. वन टन इज 1,100 kg. बाबा 100 kg, सो 25 टन इज एक्चुअली 2,500 kg. आप देख लो कितना फायदा है यार. अगर 250 रुपए में और 2,500 चॉकलेट्स मिल जाएं, वो भी डायरी मिल्क सिल्क, तो मजा ही आ जाएगा राइट. सो वैसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे रियल लाइफ में वो नहीं हो सकता, बट रियल लाइफ में ये जरूर हो रहा है मेरे बच्चों. सो आई होप SCP इज क्लियर. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ओके. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर. अच्छे से समझ में आया सबको? यस, ओके, यस. PCBOB, प्लीज टेल मी. ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन. विदांतु नीट मेड इजी. एंड यस, 2021 के बच्चे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड द प्रो सब्सक्रिप्शन? इन द चैट बॉक्स बताना जरा, क्या किसी ने ज्वाइन किया प्रो सब्सक्रिप्शन फॉर द नीट बैचेस? सबने ज्वाइन कर लिया? एंड दोज़ हू हैव स्टिल नॉट जॉइंड, यू कैन जॉइन बाय अप्लाइंग द कोड DKPRO, ठीक है, एंड vdnt.in/ytpro पे पहले जाना है, उसके बाद कोड लगाना. सो देयर द टीचिंग स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, हिंदी इंग्लिश सब होगा. एंड टिश्यू कल्चर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर स्टिल देयर, ठीक है, उसके बाद हम मेंटी करेंगे. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट vdnt.in पे जाओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लो बच्चे, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन, ठीक है. एंड कोड क्या यूज करोगे? रंजल, याशिका, हमजा, काइशा इज देयर आई नो. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड ऑल पे क्लिक करना, ठीक है. चलो, सो मिलते हैं कल. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स, टू गेट दी अपडेट्स. वी नीड ऑफिशियल इज द टेलीग्राम लिंक, ठीक है. जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन. थैंक यू सो मच किड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, विल मीट अगेन टुमारो एट 3:30. बाय हमजा, बाय बाय अनुज्ञा, बाय पूजा, बाय विनीता.